आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जांजगीर से चापा पहुंच सड़क मार्ग एनएच जर्जर है, धूल और गड्ढे हैं। आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। दरअसल दावे बहुत मगर हकीकत तलाशने निकलो तो जमीन खाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय जांजगीर से चापा की। लगातार सड़कों की बदहाल व्यवस्था से त्रस्त आम जनता की तकलीफें रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज चापा के विकास संघर्ष समिति, व्यापारी और राजनीतिक युवाओं के द्वारा एनएच गेमन पुल पर एक घंटे के लिए चक्का जाम कर दिए। मौके में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन देकर लोगों को समझाया और चक्का जाम को खुलवाया। मौके में जर्जर सड़कों को मरम्मत करवाया और कुछ दिनों बाद नया सड़कों का निर्माण करवाने का आश्वासन देकर चक्का जाम को खुलवाया। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राजाभाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। के लिए मरम्मत कराने के लिए यहाँ के आम नागरिकों ने आज धरना प्रदर्शन किया और कल एक दिन का अनशन भी रखा था, जिसे हम लोगों के द्वारा अर्थात प्रशासन के द्वारा मरम्मत कराने का और निर्माण कार्य कराने का आश्वासन देने पर उनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन है उसको समाप्त किया गया। जी सर, ये लगातार देखा जाए पिछले कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने भी इस तरह के धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बावजूद भी आश्वासन मिला था, फिर भी देखा जाए तो ये रास्ता जस्ट तक है। नहीं, हमने आज से ही एनएच के माध्यम से इसको काम को शुरू करा दिया है और ये मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जाएगा कुछ दिन में। उसमें कुछ समय लगने की संभावना जरूर है, लेकिन मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जाएगा। एसडीएम जांजगीर चापा। चापा में जो समस्या है बहुत ही ज्यादा व्याप्त है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। अनेकों अनेक प्रकार के आंदोलन होते रहे, लेकिन यह उग्र आंदोलन अपना अस्तित्व में आया और इन्होंने समस्त नागरिकों का यहाँ पर समर्थन प्राप्त किया। आज इनके नेतृत्व में चक्का जाम का आयोजन था। आज यहाँ पर स्थानीय प्रशासन पूरी पहुंची हुई थी। हमारे गणपत जी, मनीष जी, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने अधिकारी से बात किया। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम चक्का जाम समाप्त करें, लेकिन हम लोगों ने उनसे लिखित में मांगा है कि आप लिखित में हमको बताइए कि आपका काम कब शुरू होगा। और बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, हमारा काम अभी भी शुरू हो गया है। लाइट का भी काम शुरू हो जाएगा, कचरा का भी व्यवस्था शुरू कर देंगे। नगर पालिका और पीएचई वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, अब सारे अधिकारी यहाँ पर आए थे और हम सबसे बातचीत किए हैं। नगर का जो समस्या था, जिससे पूरा धूल रही, पूरा धूल से नगर परेशान था, इससे जब हमारे गोपाल भाई, मनीष भाई ने देखा तो आंदोलन का शुरुआत किया था। बहुत ही अच्छा हुआ कि आज यह आंदोलन बहुत ही उग्र रूप लेने वाला था। उससे पहले स्थानीय प्रशासन के लोग आकर हमसे समझौता किए हैं और अभी से हमारे सामने और आपके सामने, आप भी, मैं चाहूंगा कि इसको आप भी अपने कैमरे में कैद करेंगे कि कब तक यह काम चल रहा है, और संतुष्टपूर्ण अगर काम चलते रहेगा हमको इसमें स्थानीय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।